हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। और फ्रेंड, दिन है आज मंडे का। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है अभी 8:30 बजे का। तो 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। बाकी कुछ काम जो है हमारे सुबह के निपट चुके हैं और कुछ काम जो है अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी उन्हें करेंगे। पहले अपना नहाने का, कपड़े धोने का और जी खाना जी को नहलाने का, नाश्ता वगैरह, ये सारे काम जो हमने अपने सुबह के कर दिए हैं। तो जी आए हो नीचे, देखे कपड़ों की अभी सोफे पर रखे हैं, उन्हें अंदर रखनी है। और ये खाट, इन खाट को उठाने का बड़ा मुश्किल काम है। ये मतलब अंदर बाहर करने में ना बड़ी दिक्कत होती है मुझे। देखने में अच्छी लग रही है, लेटने में भी अच्छी है, लेकिन इन्हें ना उठा के खड़ी नहीं कर सकते हम बाहर। इन्हें इसी मतलब जैसे पड़ी हुई है इसी तरह से बाहर निकालनी, क्योंकि इसमें ना बीच में हाथ देने का बिल्कुल भी, जैसे और खाटों को ऐसे बीच में से उंगली दे कर जो हाथ दे कर उठा के ले जा, तो ये उस तरह से नहीं जाती, तो ये मुझसे अकेले से होती ही नहीं। अब देखती हूँ, रात तो मैंने वन से डलवाई थी, अब देखूँगी ये है तो इनको उठाऊँगी, तो इन्हें उठा के ले जाना का बड़ा सा। और इन्हें यहाँ से ना निकाल लूँ तो फिर मुझे ये सारी बैठक झाड़ू लगानी, पोचा उच्चा साफ करना, तो पूरी बैठक भरे भरे से हो रही। इसे उठवाइए एक बार, भारो खाट को करवाइयो, रुक जाओ, चलो लंबी की लंबी रखियो, नुक नुई लगना जार। एक यो भी ड्यूटी थारी अब जब बढ़िया होगी, पहले मैं केली कर लूँ थी। सिद्धि करो बिल्कुल, बस एक ही डाल करूँगी बाहर। लो वहाँ बिछाऊंगा थारी दूसरी खाट, और आज ये शक्कर भी गिरवाइए, रुक जाओ मैं खाट बिछा दूँ मम्मी की, ये सूखे की शक्कर, चलो बिछा दी मैंने खाट, ले जाओ शक्कर, वो तो थोड़ी सी है उसमें थोड़ा लगवाना पड़ेगा हाथ। नमी और उसकी वजह से आई, अरे अब तो अपनी कट्ठी बनवा लियो, ये तो ज़्यादा दिन चलने की भी ना, और फिर अपनी कट्ठी बनवा लियो। नहीं तो टंकी के ऊपर रखी थी, नीचे नहीं थी, टंकी के ऊपर रखी थी, शक्कर की टंकी थी ना उसी के ऊपर रखी थी। ये कच्ची चाशनी रहा है शुरू शुरू की, ये ज़्यादा टिकाऊ कहाँ रहे हैं, ये तो थोड़े बहुत दिन की रहे, इनको फिर बनवा लेंगे। हाँ उधर ना गिर जाएंगे, कल जरा सा सूखा हो जाएगी कुरकुरी। देखो इसका रंग भी अलग नहीं दिख रहा, इसका रंग भी अलग ही दिख रहा, देखो डड़े से फोड़ रही ना, मेरे हाथों पर चिपक रहे ऐसे हो रही है, बिल्कुल ऐसी हो रही है, पानी में को भिगो रखी। ये शुरू शुरू में बनवाई है ऐसी, इस शुरू की ऐसी बनी है, सूख हो जाएगी। चलो देखो कितनी ठीक होगी सूख के, जो इनके बिस्तर रहते हैं वो सब नीचे ही ये जो है अपने खाट पे से उठा करके यहीं पे रख देते हैं, अंदर दूसरे वाले रूम में नहीं लेके जाते। तो कोई बात नहीं, मैंने भी बोला है कि कोई बात नहीं है, तो मैं भी अपना यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो जी अपने बिस्तर जो है अभी दूसरे वाले रूम में रख के आएंगे, क्योंकि बैठक करनी है मुझे क्लीन। तो आज मैंने जो है चारपाई एक ही बाहर निकाली है, दूसरी नहीं निकाली थी, क्योंकि एक तो हवा भी चलती रहती है बाहर भी ना, धूल में थोड़ी सी ये गंदी सी ही हो जाएगी। और इसे निकालने के लिए तकत हमें थोड़ा सा आगे पीछे को करना पड़ता है, क्योंकि वो ना खड़ी होकर तो मैं निकालती नहीं हूँ, ऐसे सीधी सीधी निकाल देती हूँ, तो उसे थोड़ा सा जगह यहाँ फिर कम मिलती है। तो बस जो है अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह सिंगवा दिए हैं, इनकी जो चादर है ओढ़ने की, तो उसे भी तह बना के रख दूँगी, बस अब चादर ही है, स्वेटर वगैरह तो पहने नहीं जाते, और चादर भी ये जो है बस सुबह के टाइम थोड़ी सी देर के लिए ही जो है ओढ़ी जाती है। तो बस जी अभी सब ठीक कर दूँगी, जहाँ तक अपनी जगह पर होना चाहिए वो कर दूँगी, बेडशीट जो है ये झाड़ दूँगी, और उसके बाद जो है ये सोफे के सभी झाड़ झूड़ के खाट अपनी एक बराबर में कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर सारे में लगाऊंगी मैं झाड़ू। लौकी कैसी आने लगी? हाँ देखो फ्रेंड ये लेके आया सब्जी नीचे से, कितनी जरा जरा सी, अरे सूखी सी है, तो देखो सूखी सी लग रही है, तो मुझे गंगा जमुना की तो हमें पता नहीं कुछ, ये तो ठीक सी भी, चल बिल्कुल तो बना लेंगे, यो सही है सबसे, ये तो ज्यादा सूखी सी,
और ये ली है मटर। हाल तो मटर भी पक्की सी आने लगी। और आलू और टमाटर, ये दो तीन सब्जी। तो चलो भाई, ये तो सूट हुआ नहीं है। एक चार गिनती के भेजे थे, चार में तीन हुए, एक तो जब भी रह गया। कह रही थी दीदी, कह रही थी मैंने वीडियो में देखी कुर्ती कदकुद होगी। दीदी कह रही थी नहीं तू दीदी, कह रही थी कुर्ती भी तो ली, तब ने मगा हाँ कुर्ती भी ली। मगा मैं इंतजार कर रही, पहला मगा ये सूट तो जब भी तो भेजूंगी मैं, तो मगा कभी थोड़ा थोड़ा भी सिलाई रह रही हो। इन्हें कल को धोऊंगी सारों को, जब पहरूंगी। और फ्रेंड आज दोपहर के खाने में बनाएंगे हम कोफ्ते। तो लौकी रखी हुई थी, लौकी जो है अभी कसना स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले लौकी कसेंगे। और फ्रेंड अभी गर्मी गर्मी ना हमारे घर में लौकी भरपूर मिलेगी, रोज़ डेली ना लौकी और तोरी। अभी तोरी तो खैर नहीं आई है, लेकिन लौकी ना आपको हमारे घर में भरपूर मिलेगी, क्योंकि मम्मी जी, तन्नु के पापा, इन सबको लौकी पसंद है। तो और कुछ ना खाकर ना लौकी की कई तरह की सब्जी बनवा लेते हैं, पर चाहिए लौकी ही। तो जी लौकी मैंने जो है सारी कस ली है और तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए इंडक्शन पे। तो जी आज बनाएंगे दोपहर के खाने में कोफ्ते, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी चूल्हा हल्का ने चला दिया है, क्योंकि इन्हें इंडक्शन पे मैं नहीं उतारूंगी, अभी बस तेल ही गर्म कर रही हूँ। बाकी जो है हमें उतारना चूल्हे पे ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार ना लाइट चली जाती है और फिर बीच में काम रुक जाता है। लौकी कस ली है, लौकी कस कर जो है इसमें डाल दिया है बेसन, दो ढाई कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है। और बेसन डालने के बाद जो अपने मैक्सिमम रोज़ के मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा हींग, गरम मसाला, जो भी इनकी पकौड़ी उतारने में मुझे मसाले चाहिए होंगे वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। पहले मैं थोड़ा सा इसको वैसे ही मिला के देखूँगी बिना पानी के ही, और उसके बाद जो है मुझे लगेगा कि इसमें से पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो उसके बाद जो है फिर मैं इसमें पानी डाल लूँगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमें इसकी बनानी है पकौड़ियाँ। और हींग मुझे इसमें ज़रूर डालना है, कि जिससे कि पकौड़ी ज़्यादा नुकसान ना दे। तो हींग भी मैंने इसमें डाल लिया है, थोड़ा थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी, और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल करके देखती रहूँ। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। मसालों में हमने जो टमाटर है वो भी ग्राइंड कर लिए हैं, और प्याज जो है वो भी ग्राइंड कर लिया है। तो मसाले जो है हमारे जो है सारे तैयार हो चुके हैं। चलते हैं अभी चूल्हे के आगे, और चूल्हा जो है हमारा चल चुका है। और देखिए तेल भी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी उतारने शुरू करेंगे पकौड़ियाँ, और बहुत छोटी छोटी पकौड़ी उतारूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पकौड़ियों में ना फिर अंदर से पकौड़ी थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, मतलब जो है उसका पूरा बेसन है वो अंदर तक नहीं सिक पाता, तो वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी रह जाती है। तो थोड़ी छोटी सी जो है मुझे पकौड़ी उतारनी है। और देखिए पकौड़ी बहुत अच्छे से उतर रही है, तेल काफ़ी गर्म हो चुका है हमारा। अच्छे से तेल अच्छे से गर्म होगा तो पकौड़ी भी अच्छे से उतर जाएगी। और इन्हें सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये नहीं कि बस ज़्यादा ही तेज तेल कर लिया और डाला और तुरंत ही वो काली हो गई और हमने वो तुरंत उतार ली। उससे क्या होता है, ऊपर का हिस्सा जो है हमारी पकौड़ी का सिक जाता है, लेकिन जो उसके अंदर का हिस्सा होता है वो अच्छे तरह से नहीं सिक पाता। और ये देखिए हमारी पकौड़ी बहुत अच्छे से सिक गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम ज़्यादा ही लगाया, जिससे कि अच्छे तक अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो इनको भी सभी को उतार लेंगे। अभी डाल लूँगी मैं दूसरा घाण इसमें। और ऐसे ही जब एक पकौड़ी एक घाण उतार लेते हैं, थोड़ा सा से एक दो मिनट का हमें जो है टाइम देना चाहिए, जिससे कि ये तेल हमारा दोबारा से फिर अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद जो है दोबारा से पकौड़ी इसमें छोड़ दें। लौकी की पकौड़ी जो है सारी अच्छे से उतर चुकी है। तो बस अभी हमने सारी पकौड़ियाँ उतार ली है, उन्हें रख देते हैं साइड में। और जितना हमारा तेल है उसे हमें थोड़ा सा छोंक के लिए ही रखना है, बाकी जितना एक्स्ट्रा तेल है सब जो है मैं डब्बे में अलग से निकाल लूँगी। तो कढ़ाई में इतना ही तेल रखना है जितना मुझे छोंक के लिए चाहिए। तो तेल मैंने सारा निकाल दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो ही रखा था। तो जी थोड़ा सा डाला है मैंने जीरा दाना, जीरा दाना डालते ही तुरंत हो गया है। अभी मैं डाल दूँगी इसमें प्याज का जो पेस्ट बनाया हुआ है, प्याज और अदरक का। तो जी वो अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है, और उसे अच्छे से मैं भून लूँगी। और थोड़ी सी देर भूनने के बाद जो है इसमें डाल देंगे हम बाकी के मसाले। प्याज है जो है हमारी अच्छे से भून चुकी है। अभी इसमें जो है अपने बेसिक से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा हींग, तो ये सारे मसाले जो है हमें इसमें डाल देना है, और इन सबको भी अच्छे से भून लेना है। इन्हें मुझे तब तक भूनना है जब तक जो है इनका हल्का हल्का सा तेल ये मसाला छोड़ने लगे। और इसमें फिर बाद में डालना है मुझे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट
डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और उसी के बाद जो है मुझे इसमें पानी डालना है जो हमें जिसकी हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो जी पूरे मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं और अभी बारी आती है इसमें पानी डालने की। और पानी इसमें काफ़ी सारा डालेगा क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी टाइट सी भी हो जाती है, क्योंकि ये जैसे ये पकौड़ी डालते हैं ना तो वो सारा पानी जो है सोख लेती है। तो मैं एक जग पानी ले रही थी और मैंने इसमें सारा ही पानी डाल दिया और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। देखिए फ्रेंड, जो कोफ्तों का हमारा पानी है कितने अच्छे से ये खदक चुका है। देखिए पूरे अच्छे से इसमें खद्दा पड़ रहा है। तो ये लेके आई हूँ मैं पकौड़ी, अब ये सारी पकौड़ी जो है मुझे इसी में डाल देनी है। और इन्हें डालने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी देर से और पानी को पकाना है ताकि ये पकौड़ियों के अंदर जो है सारा पानी अच्छे से चला जाए और ये हमारी पकौड़ी जो है पानी में भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बराबर में ना कुत्ते इतने भौंक रहे और इन्हें देख देख के, इनका मतलब सुन सुन के हमारा टफी भी पूरा बोल रहा, तो कुत्तों की पूरी वो आ रही है बोलने की तार। चलिए जी, डाल दी है मैंने सारी पकौड़ियाँ इसमें, और कुछ पकौड़ी तो ये बालकों ने ढीली कर दी, कुछ तो दोनों बच्चों ने खा ली, एक और दो हमने खा ली। तो चलिए कोई बात नहीं, इतनी मैंने फालतू ही उतारी थी है। तो ये अब अच्छे से इसमें सारी डूब चुकी है, इसमें अच्छे से इसे और खदकाना है और बस ये हमारी सब्जी जो है कोफ्ते की बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड देखिए, कोफ्ते हमारे बन गए थे और उन कोफ्तों को जो है हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। बस गार्निश करने के लिए इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती है। और जी हमारे आज की सब्जी जो है कोफ्तों की बनकर तैयार है, रोटियां बन रही है चूल्हे पे। और आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी गर्म गर्म कोफ्ते खाने के लिए। फ्रेंड सब्जी हमारी बन चुकी है, वो मैंने किचन में ला कर रख ली थी। अलका गई है अभी बाहर चूल्हे पे ही, वो बना रही है उधर रोटियां। और अभी तब तक तो थोड़ा सा काम जो मुझे किचन का है मैं तब तक वो निपटा लेती हूँ अपना। तो थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया है, मुझे जो है घी जिसमें मक्खन निकालते हैं वो कुकर, तो वो मुझे जो है गर्म पानी से साफ़ करना है, क्योंकि अभी हमने पिछले दिन है हमने घी गर्म किया था तो वो घी इसी में रखा हुआ था, वो मैंने जो है रिता करके डब्बे में करके रख दिया है। और अभी जो मैं है इसे साफ़ कर रही हूँ और साफ़ करने के बाद जो है इसमें मक्खन निकाल लूँगी दोबारा से। और घी जो है हम मक्खन जो है इसी में रखते हैं, कोई स्टील की पतीली वगैरह नहीं बनाई हुई है। तो ये कुकर है इनमें मतलब हम सब्जी वगैरह नहीं बनाते तो इसमें जो है हम मक्खन इकट्ठा कर लेते हैं। मैं उधर से रही साफ करके आई थी तो मट्ठा लेके आई थी और मैंने मक्खन भी जो है डब्बे में लेके आ गई थी उधर से कि चलो पहले कुकर साफ़ करके तब कुकर में कर जो है मक्खन रिता दूंगी। और डब्बे में जो मट्ठा है उसे मैं कर दूंगी एक बोतल में, क्योंकि संजय की और विनोद का खाना जाएगा खेत में तो उनके उसमें जो है एक बोतल में जाता है मट्ठा, तो पहले मैं मट्ठा डालूंगी फिर उनका जो खाना मुझे उनका टिफ़िन लगाना है। और फ्रेंड इसी के साथ जो है आज के व्लॉग को मैं यहीं पर रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।